आज मैं इस वीडियो में एक टॉप बनाना सिखाऊंगी। टॉप स्लीवलेस एंड शॉर्ट लेंथ बनेगी क्योंकि इसे मैं बचे हुए कपड़े से बनाऊंगी। बचे हुए कपड़े कुछ इस तरह है। आप इसे स्कर्ट, प्लाजो या जीन्स पैंट के साथ पहन सकते हैं। बचे हुए कपड़े का जो सबसे बड़ा पीस है वह 23 इंच का है। 2 इंच कपड़ा माइनस होगा टॉप का अपर एंड लोअर फोल्डिंग के लिए, तो टॉप हमारा 21 इंच बनकर तैयार होगा और इस पीस से मैं टॉप का फ्रंट पार्ट बनाऊंगी। दूसरे पीस का लेंथ 19 इंच है। इस पीस को डबल फोल्ड कर उसे अच्छी तरह सेट करें। उसके बाद ऊपर से 4 इंच कपड़ा ज्वाइन कर इस पीस को भी 23 इंच बना लें। इस पीस से मैं टॉप का बैक पार्ट बनाऊँ। ज्वाइनिंग के पास स्टिचिंग पॉइंट को मार्क करके मेजरमेंट लेना स्टार्ट करें। यहाँ शोल्डर मेजरमेंट के लिए शोल्डर का हाफ प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करें। कपड़े का जो क्लोज साइड है वहाँ से कपड़ा 1 इंच पीछे करते हुए 1 इंच पर बॉक्स प्लेट के लिए मार्क करें। मार्किंग को सीधी लाइन से जोड़ लें। यह बॉक्स प्लेट मिडिल ज्वाइनिंग पार्ट पर बनेगी। चेस्ट राउंड मेजरमेंट के लिए कपड़े के क्लोज साइड से एंड शोल्डर पॉइंट से हाफ ऑफ द शोल्डर इस तरह मेजर करें। उसके बाद क्लोज साइड के मार्किंग पॉइंट से चेस्ट राउंड का 1/4 प्लस 1.5 इंच लूजिंग पर मार्क करें और 1 इंच मार्जिन के लिए रखें। वेस्ट राउंड मेजरमेंट के लिए शोल्डर टू वेस्ट लेंथ मेजर करें। इस पॉइंट से वेस्ट राउंड का 1/4 प्लस 1.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क करें। यहाँ पर हिप का 1/4 प्लस हाफ इंच लूजिंग प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए रखें। इसके बाद शोल्डर एंड चेस्ट पॉइंट को इस तरह लाइन से जोड़ें और आर्म होल के लिए इस तरह कर्व शेप दें। अब चेस्ट, वेस्ट एंड हिप के स्टिचिंग पॉइंट एंड मार्जिन पॉइंट को लाइन बनाकर ज्वाइन करें। साइड से मार्जिन लाइन पर कट करें और आर्म होल को कर्व लाइन से कट करें। बैक नेक के लिए शोल्डर पर 3 इंच और क्लोज साइड पे 1 इंच मार्क करें। दोनों मार्किंग को लाइन से जोड़ें और कर्व शेप देकर कट कर लें। शोल्डर शेप के लिए आर्म होल पर 1 इंच मार्क करें और इसे नेक लाइन से ज्वाइन करके कट करें और शोल्डर शेप दें। अब मैं टॉप के फ्रंट पीस पर मार्किंग करूंगी। कपड़े को 1 फोल्ड देते हुए अच्छे से सेट करें और ओपनिंग साइड से 2 इंच मार्क करते हुए उसे सीधी लाइन से जोड़ दें। यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लें। शोल्डर का हाफ प्लस हाफ इंच स्लीवलेस टॉप के लिए प्लस 2 इंच स्पेस टक्स के लिए। यहाँ से शोल्डर का हाफ लेकर इस पॉइंट से चेस्ट राउंड का मेजरमेंट करें। चेस्ट राउंड मेजरमेंट के लिए चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच लूजिंग प्लस 2 इंच स्पेस टक्स के लिए मार्क करें और 1 इंच मार्जिन के लिए रखें। वेस्ट राउंड मेजरमेंट के लिए शोल्डर से वेस्ट लेंथ पर पॉइंट बनाएं और इस पॉइंट से वेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच लूजिंग प्लस 2 इंच स्पेस टक्स के लिए मार्क करें और 1 इंच मार्जिन के लिए रखें। यहाँ पर हिप का 1/4 प्लस हाफ इंच लूजिंग प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा स्पेस टक्स के लिए और 1 इंच मार्जिन पॉइंट पर मार्क करें। अब शोल्डर टू चेस्ट पॉइंट को इस तरह ज्वाइन करें और चेस्ट, वेस्ट एंड हिप पॉइंट को इस तरह से लाइन मिलाकर ज्वाइन करें। शोल्डर टू चेस्ट पॉइंट पर आर्म होल के लिए इस तरह से कर्व शेप बनाएं। स्पेस टक्स के लिए फ्रंट ओपनिंग लाइन से वेस्ट राउंड को 1/8 से डिवाइड करके उस पॉइंट पे मार्क करें और इसे सीधी लाइन से जोड़ लें। मैं यहाँ टोटल 3 टक्स बनाऊंगी। सो इस लाइन के लेफ्ट एंड राइट 1 इंच के डिस्टेंस पे इस तरह मार्क करके सीधी लाइन बना लूंगी। अब टक्स की मार्किंग फ्रंट साइड के दूसरे पीस पर भी इस तरह से करें। सबसे पहले टक्स की स्टिचिंग करेंगे। इसको स्टिच करने के लिए इसके दोनों पॉइंट को अच्छी तरह मिलाएं और सीधी साइड से इस तरह से स्टिच करें।
सभी टक्स को इसी तरह कंप्लीट करें। फ्रंट नेक के लिए शोल्डर पॉइंट पर 3 इंच, ओपनिंग पॉइंट पर 4 इंच मार्क करके कर्व शेप देकर फ्रंट नेक कट करें। अब 2 इंच ओपनिंग फोल्ड पर इस तरह नॉच लगाएं। अब बैक पार्ट के मिडिल पॉइंट पर भी इस तरह से नॉच लगाएं। अब नॉच को आपस में मिलाएं और दोनों साइड के कपड़े को अच्छी तरह मिलाते हुए यहाँ पर एक बॉक्स प्लीट बनाएं। अब मैं ओपनिंग पार्ट को स्टिच करके कंप्लीट करूँगी। ओपनिंग के एक पार्ट को इस तरह डबल फोल्ड देकर ओपनिंग लाइन पर रखें और स्टिच करें। दूसरे पार्ट को डबल फोल्ड मार्किंग लाइन तक करें और स्टिच करें। अब दोनों ओपनिंग पार्ट को ओवरलैप रखते हुए ऊपर से 3 इंच छोड़कर नीचे का पार्ट क्लोज करें। अब फ्रंट एंड बैक पार्ट को आपस में मिलाकर शोल्डर पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट करें। आर्म होल के स्टिचिंग के लिए पूरे स्ट्रिप्स इस तरह मार्क एंड कट करें। पूरे स्ट्रिप्स को आपस में इस तरह ज्वाइन करें और फिर इससे आर्म होल की स्टिचिंग कंप्लीट करें। दोनों साइड के एनहिप राउंड के स्टिचिंग कंप्लीट करें। अब नेक राउंड पर कन्वर्टिबल कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर अटैच करने के लिए सबसे पहले नेक राउंड का मेजरमेंट इस तरह ले लें। बुकरम टेस्टिंग पेपर को डबल लेयर में इस तरह रखें और उस पर 2.5 इंच का मार्किंग इस तरह से कर लें। अब मार्किंग पॉइंट को सीधी लाइन से ज्वाइन करें। अब यहाँ पर नेक राउंड का हाफ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करें। सेम मार्किंग ऊपर के लाइन पर भी करें। दोनों लाइन पर किए गए मार्किंग को इस तरह लाइन बनाकर ज्वाइन करें। अब ऊपर के लाइन पर बने 1.5 इंच एक्स्ट्रा पॉइंट से 1 इंच की मार्किंग इस तरह से करें। अब दोनों नेक राउंड पॉइंट्स को 1 इंच पॉइंट तक कर्व शेप देते हुए मिलाएं और कॉलर कट करें। कॉलर को डबल लेयर कपड़े पर रखकर इसे अच्छे से फिक्स करें। अब नेक राउंड पर ओपन छोड़कर इसके तीनों साइड स्टिच कर लें। कर्व पार्ट के कॉर्नर पर नॉच दें, फिर इसे पलटकर इसके कॉर्नर पार्ट पर अच्छे से शेप दें।
अब नेक राउंड और कॉलर के मिडिल पॉइंट पर नॉच लगाएं, इससे कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब कॉलर को नेक राउंड के नीचे रखकर पहले इसे हाथ से अटैच करें, फिर मशीन से फिनिशिंग दें। अब कॉलर को सीधी साइड पलटकर इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को नेक राउंड पर फोल्ड करते हुए इसे इस तरह फिनिश करें। अब कॉलर के चारों तरफ स्टिच कर लें। अब ये टॉप तैयार हो गया है।